पर्यटन नगरी महेश्वर में शुक्रवार को आयोजित किए गए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती और महिला महासम्मेलन के महते आयोजन में प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। यहां कार्यक्रम स्थल पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके तुरंत बाद मंच पर आगमन और राज्यपाल की उपस्थिति में राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद कन्या पूजन और डॉक्टर अंबेडकर की फोटो पर माल्यार्पण किया। नगर के केवट समाज ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को श्री राम जी, सीता और लक्ष्मण के साथ केवट राज विराजित एक मनमोहक नौका भेंट कर उनका स्वागत किया। सभा स्थल पर भाजपा नेताओं के अलावा आसपास क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये देश के डॉक्टर अम्बेडकर जी की जन्म जयंती का जो माहौल है, आज हम उनके जन्म स्थली पर गए। वहां नेताजी के उद्धार किए और बौद्ध देव की प्रतिमा का अनावरण भी किया। घर घर तक पहुंची उनका हिसाब दे रहे थे ऐसे मध्य प्रदेश के बहुत सक्रिय ऐसे रात दिन प्रजा की सेवा में लगे हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रभारी मंत्री हमेशा सम्मान रहा, लेकिन मेरे बीच में कार्यकाल खंड ऐसा आया जब मुगलों का शासन हुआ। उस जमाने से हमने माँ बहन और बेटी को बराबर का स्थान देना बंद कर दिया। पुरुष को ऊंचा स्थान और स्त्री जैसे उसकी गुलाम बन गई हो। स्थिति इतनी बिगड़ी कि बेटी का जन्म अभिशाप मांगने जाने लगा। मेरी बहनों, मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैंने बचपन अपने गाँव में देखा है बेटा का जन्म हो तो खुशियां मनाई जाएगी, बधाई गाई जाएगी, ढोल धमाके बजाए जाए। बेटा आया है और बेटी अगर आई तो मैया का चेहरा उतर जाए कि बेटी नहीं हो कहीं की आफत हो गई हो। बेटी का जन्म अभिशाप माना जाने लगा और धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ी कि बेटी को जन्म दिया तो सास नाराज हो जाए। बोले देवी माँ देवी अहिल्या बाई की, और इस श्लोक में जो माँ के जीवन दर्शन, उनका संपूर्ण जीवन, उन्होंने जो अलग अलग काम किए हैं, क्योंकि देवी अहिल्या थे, माँ अहिल्या बाई थे, कहाँ कहाँ कुए खुलवाए, बावड़ी खुलवाए, धर्मशाला बनवाई, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। मैं समझता हूँ जितने मंदिरों का जीर्णोद्धार माँ अहिल्या देवी ने किया, इतिहास को उसकी विस्तार नहीं मिलती। ऐसी अपनी माँ अहिल्या के चरणों में श्रद्धालु समर्पित करने करने और आने वाली पीढ़ियाँ उनके जीवन को, उनके इतिहास को, उनके किए गए कामों को जाने, वो सब चीजों के द्वारा यहाँ उतरे रहेंगे, उसका पूरा मॉडल बनाएंगे और माँ अहिल्या बाई महालोक बन के तैयार होगा और महेश्वर का यश प्रति की दिग्विजय करेगा। लेकिन आज बड़ी संख्या में हमारी लाडली बहनाएं यहाँ की चर्चा है। मेरी बहनों, माँ अहिल्या देवी देवी जी से लेकिन आज एक बात है, आप सब बहनों से कहना है, बहुत बढ़िया रखे, बहुत बढ़िया, थोड़ा नीचे कर लो, आज राज्य में बहुत आह्लादित और प्रसन्न हूँ। हमारा प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर महेश्वर, ये माँ अहिल्या देवी की राजधानी भी था और माँ अहिल्या देवी सुशासन की प्रतीक रही है। पूरे देश में मंदिरों का पुनर्निर्माण, कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशालाएं, अनेकों परोपकार के काम माँ अहिल्या देवी ने किए हैं। हम जैसे लोगों के लिए जो सरकार में है वो आदर्श है और इसलिए माँ अहिल्या देवी ने जो काम किया, उनका जीवन, उनके किए गए काम, उनको दर्शाते हुए, उकेरते हुए यहाँ माँ अहिल्या जी के नाम पर अहिल्या लोक का निर्माण किया जाएगा, ये फैसला आज किया है। स्थानीय नागरिकों के साथ चर्चा और बातचीत करके उसके स्वरूप को
अंतिम रूप देंगे और फिर काम आगे बाकी घोषणा की है। और कहीं जनता में मुकाबला नहीं कर पाते, पहले वो अपना घर देखे, कोई भावी मुख्यमंत्री है, कोई अवश्यम भावी मुख्यमंत्री है, वो कोर्ट की बात करते हैं, वो तो दिग्विजय जी के बारे में तो ये प्रसिद्ध है कि कोट पैंट तो छोड़िए सूट, वो तो कपड़े तक अपने साथियों के गायब करने में माहिर है, उनके बारे में ज़्यादा मैं क्या कहूँ। भारतीय जनता पार्टी एक आदर्श राजनीतिक दल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।